एक ट्रांसफॉर्मेशन दिस सेंटेंस में इंग्लिश ग्रामर में पूछा जाता है मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अभी हम डीपली तो नहीं पढ़ रहे, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। सो शॉर्ट ट्रिक में क्या है, देखो पूरा सेंटेंस, अगर पूरे सेंटेंस में लास्ट में तुम्हारा नाउन है, ओके, सो लास्ट में नाउन है तो सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस स्टार्ट कहां से होगा, व्हाट से स्टार्ट होगा। और अगर लास्ट में नाउन नहीं है, कोई भी एडजेक्टिव है, कोई भी एडजेक्टिव है, सो वो हाउ से स्टार्ट होगा। नाउन जो भी हमारे नाउन है वहां से स्टार्ट होगा, किसी का नाउन, प्रोनाउन, कोई भी चीज है तो हम वहां पे व्हाट से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हाउ से। तो क्या बनेगा, और फिर हेल्पिंग वर्ब, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, उसको कुछ नहीं करना है लेकिन उसके आगे पीछे का सेंटेंस देखना है। कैसे बनाते हैं, पहले हम लिख लेंगे गर्ल है, गर्ल मतलब नाउन है तो हम व्हाट से स्टार्ट करेंगे, सो हमारा आंसर बन जाएगा, व्हाट। अब जो हेल्पिंग वर्ब है इज, उसके बाद वाला पूरा लिख दो वैसे ही, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल, और फिर पहले वाला शी इज, बन गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब जैसे कि हॉरिबल, तो वो तो एडजेक्टिव है, वो किसी का नाम या नाउन तो है नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाउ यूज करेंगे। तो हाउ के लिए फिर पहले लिखेंगे हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला पूरा, सो हाउ हॉरिबल, और फिर हेल्पिंग वर्ब के पहले वाला पूरा सेंटेंस लिख देना है, हाउ हॉरिबल हॉरिबल द स्टोरी इज, बहुत डरावनी स्टोरी थी, ओके एनाबेल। सो कुछ भी हो, ऐसे ही शॉर्ट में मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी कि कैसे करना है, व्हाट से बना दो, हाउ से बना दो। बहुत सारे एग्जांपल्स है, यू कैन चेक, ओके। ये तो मैंने सिर्फ बताने के लिए छोटे में कि कैसे बनाते हैं उसके लिए बता दिया, ओके ठीक है।